आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी, लेकिन जो पुरानी गारंटी थी ना जो एक्सपायर हो गई, उसका क्या हुआ? क्या गारंटी थी? अच्छे दिन आएंगे। आप तो अच्छे दिन का नाम ही नहीं लेते। आप कहते थे 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं आई। फिर आपने कहा था पेट्रोल और डीजल का दाम 40 रुपए प्रति लीटर पे ले आओगे, और उसने तो शतक लगा दिया। थोड़ी सी शर्म कीजिए, इतना पाखंड और इतना मूर्ख इस देश की आधी आबादी को मत समझिए। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। एक चीज बड़ी इसमें रोचक रही, उस घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया गया है, और यही नहीं, मोदी जी ने अपनी गारंटी को बकायदा साइन करके निकाला है। ये जो घोषणा पत्र है ये प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के साथ आया है। तो एक चीज तो है, कांग्रेस की गारंटी देखकर मोदी जी प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम तो अपनी गारंटी को पूरा करते हैं। मोदी जी आपकी तरह जुमले थोड़ी फेंकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस से सीखते रहिए, इसको गारंटी दीजिए। दो तीन चीजें लेकिन इसमें बड़ी रोचक है, प्रधानमंत्री घोषणा पत्र कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ भाजपा में ना अध्यक्ष है ना उनके यहां कोई वरिष्ठ नेता है जिसके चेहरे पर घोषणा की जा सके। खैर कोई बात नहीं, मोदी जी आप किस गारंटी की बात कर रहे हैं? आपकी खुद की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है। आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े जुमले किए थे, अभी उनके बारे में याद दिलाती हूं, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। आपने कहा आप 3100 में धान खरीदेंगे। अरे मान्यवर, 10 जगहें आपकी सरकारें हैं और उन 10 जगहों पर एक भी जगह एमएसपी ऐसी नहीं है। एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसानों की शहादत हो गई थी और आप अपने दंभ और अहंकार में चूर रहे थे, और उसके बाद भी एमएसपी की कमिटी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। आपको क्या बंदिशें हैं? लीजिए डिसीजन, एमएसपी पूरे देश में लागू करिए, यहां पर आकर 3100 एमएसपी की बात करिएगा, और बाकी जो यहां पर 10 जगह आपकी सरकारें हैं वहां पर झुंझुना पकड़वाइएगा फार्मर्स को। फिर आपने यहां पर आकर एक और नया जुमला फेंका, आप कुछ 1 लाख पद भरेंगे। अरे 10 लाख से ज्यादा सेंट्रल पद खाली पड़े हैं, आपके एक हस्ताक्षर से भर जाएंगे, पहले उसको भर दीजिए। तो ये गारंटी भी फुसफटा कर निकली। उसके बाद आपने एक नई गारंटी दी, ये भी आपने हमसे सीखी, अच्छी बात है, आप राजस्थान से ये सीख कर आए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 10 जगह सरकारें हैं आपकी, एक जगह आप 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं बेचते हैं। थोड़ी सी शर्म कीजिए, इतना पाखंड और इतना मूर्ख इस देश की आधी आबादी को मत समझिए। उसके बाद आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक आयोग खोलेंगे छत्तीसगढ़ में। मानेगा वो जो तोता है आपका अडानी, उसकी जांच कब कीजिएगा? उसके लिए कौन सा आयोग गठित कर देगा? कब DRI और सभी को बोलिएगा कि कुछ दस्तावेज इकट्ठा करें और उनकी जांच करें? कब तक उनको बचाते रहिएगा? आज सवाल इस बात का है। और फिर आपने कहा कि आप 5 लाख जो आदिवासी हैं उनको पट्टे पर उनका पट्टा देंगे। बगल में बहुत थोड़ी सी दूरी पर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है, 18 साल के कुशासन में करीब 4 लाख आदिवासियों का वनाधिकार से वो वंचित हुए हैं। हमने उनको वादा किया कि सरकार बनते ही हम उनके निरस्त पट्टों को पुनः बहाल करेंगे और उनको देंगे। ये काम आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? तो आपकी गारंटी भी आप ही की तरह अब नए जुमले लेकर आ पाए हैं। लेकिन जो पुरानी गारंटी थी ना जो एक्सपायर हो गई, उसका क्या हुआ? क्या गारंटी थी? अच्छे दिन आएंगे। आप तो अच्छे दिन का नाम ही नहीं लेते। आप कहते थे 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं आई, वो गारंटी भी एक्सपायर हो गई। फिर आप कहते थे 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा, अभी तक तो 20 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, अब आप 55,000 नियुक्ति पत्र बांटते हैं जो काम कभी डाकिया करता था, वो गारंटी भी रद्द हो गई। फिर आपने कहा था कि आप पेट्रोल और डीजल का दाम 40 रुपए प्रति लीटर पे ले आओगे, और उसने तो शतक लगा दिया, ये गारंटी भी आपकी फुसफटाकर साबित हुई। फिर आप कहते थे कि रुपए और डॉलर का जो मूल्य है वो एक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपया तो 83 पार कर गया, प्रतिष्ठा किस गोते में खाने में चली गई कुछ किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीन को लंबी लंबी आप फेंकते थे कि लाल आंखें दिखानी चाहिए और फलाना करना चाहिए, आपने वो कुछ नहीं किया है। आपकी खुद की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है, वारंटी भी एक्सपायर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को जो आपने अपने नाम पर जुमले फेंके हैं, ये काम बंद कर दीजिए। लोग आपकी असलियत से पूरी तरह से वाकिफ है, और अब आपके जुमलों में आने वाला कोई नहीं है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में थी, ऐसे ही जा रही थी, छोटे से बच्चे से बोला जुमला, उसने कहा मोदी, ये असलियत है आपकी। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.